सांप से डर लग रहा। अबे वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं, मैं तो जिंदा हूँ और ईमान से बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों, किसी के काने हो? इस हुलिया पे कोई क्या काना करेगा मुझे? वैसे एक बात बता दूं, मैं अब लाश के जिस्म पे मालिश नहीं करूँ। क्यों, मजा नहीं आ रहा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप दो दिन के अंदर अंदर मैयत दफनाने का इंतजाम करें, वरना दो दिन के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। बस अबे तुमने तो कहा था कि डेड की लाश को एक हफ्ते तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने लाश का कहा था, मैयत का नहीं। तो लाश और मैयत में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। क्या? मैयत तो बड़े आदमी की होती है, जिसे दफनाने से पहले टीवी के कैमरों और प्रेस रिपोर्टरों का इंतजार किया जाता है। और लाश भी? लाश 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 होती है जो बच्चों की फीस, बिजली के बिल, माँ की दवा और जवान बेटी का जहेज ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी का सफर तय करती है। कच्ची आबादी वाले अपनी जबान में उसको जिंदा लाश कहते हैं। तुम ये अपने बाप की बातें छोड़ो। बाप की फ्लैश खींच दूंगा। बकवास बंद करो। कोई ऐसा केमिकल लगाओ कि कल तक डेड की डेड बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बर्फ लगा दी। बर्फ अगर ना पिघली तो ठीक, अगर बर्फ पिघल गई तो इतनी बदबू छोड़ेगा वो बुड्ढा कि 100 परफ्यूम की बोतलें भी कम पड़ेंगी। सही बतला रहा हूं। ओहो, कुछ करो। कल तक डेड की लाश को ऐसा केमिकल लगाओ कि कल तक उनकी लाश को कुछ नहीं होना चाहिए। खान गया जलसे का इंतजाम करने, कल जलसा है। मेरे तीनों नौकर डैडी को जलसे की तरफ लेके जाएंगे और रास्ते में मेरे कारिंदे टिशू 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 खान आ जाए तो मुझे बुलवा लेना। इधर आओ, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? एक मिनट सबर करो, वही बता रहा तेरे को। तेरे को? सॉरी, आप तू को। आप तू यानी कि लखनऊ से पिशावर भी मिला दिया? हमारा इलाके हम कहीं भी मिलाए, आपको इसका बिल आता। बकवास बंद करो, आप शुरू करो। अच्छा, साइकिल कहाँ है तुम्हारी? वही तो बता रहे हैं आपको, मैं साइकिल लेके जा रहा था उधर जलसे का इंतजाम करने का वास्ते। फिर अभी गली के कोने पे पहुंचा, मेरे पीछे कुत्ती पड़ गया। तो तुम कुत्ती को पड़ जाते? हम कुत्ती को पड़ गया था, फिर उसको पछतो नहीं आता। उसको पछतो में समझाते क्या? दगार दलारदा रास्ता दे बड़े भाई को। हमने बोला उसको दगार दलारदा रास्ता दे बड़े भाई को, फिर वो कहने लगी नहीं तुम छोटा है। अच्छा, बड़े को भेजो। अच्छा, नहीं करो, बाहर कुत्ती पीछे लग गया, अंदर कुत्ता। बात बंद करो, जाओ साइकिल लो। साइकिल नहीं लाएगा? क्यों? उधर गली के कोने पे कुत्ती बैठा हुआ है। साइकिल लाओ।
कुत्ती बैठा हुआ है। कुत्ती नहीं है, कुत्ता है। और तुम कुत्ता भी सादा नहीं है, औरंगी टाउन का खुजली वाला। खुजाओ फिर, जाओ खान साइकिल लाओ। वहां कुत्ती बैठा हुआ है ना, साइकिल लाओ, कुत्ती बैठा हुआ है। चलो, तुम्हारी नस्ल का तो पता चल गया। यार ये है कौन जय सूर्य का साला? क्या हो गया खान? तमीज से बात करनी बिल्कुल। क्या हो गया खान? ये जय सूर्य का साला नहीं है। हाँ? ये मुरलीधरन है। ये मुरलीधरन भी नहीं है फिर? ये मुरली दे दा दा। हाँ, इसको पता है मैं इसके घर पे गेंद करा के आया हूं। हाँ, जब ये मेरा घर पे गेंद कराने गया था तो इससे पूछो मेरा बाप बैटिंग पे अकेला था। उसने जो चौका छक्का मारा है, इसका दो तीन बॉल तो बाउंड्री लाइन भी क्रॉस कर गया। तमीज से बात करनी, तमीज। तमीज से क्यों बात करे तू? जद्दा में मसवाक बेचता। मैं कह रहा हूं तमीज, तेरी मूंछों को रेस दे दूंगा अभी। मूंछों को रेस ना दो। क्यों? अपना फैमिली पीछे बिठा हुआ सुराग बोर्ड का चक्कर लगा के लाएगा। अजल, आराम से खड़ा जाओ उधर, काली माता का बच्चा। काली माता नहीं है, काला पिता है। हम तेरा पिता ही फोड़ देगा। क्या हो गया खान, इसको घड़ी घड़ी तुम काला काला कह रहे हो। देखो, पता है इसका रंग काला क्यों है? क्यों है? हर माँ बचपन में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसकी माँ ने इसको डीजल पिलाया। कोई डीजल डीजल नहीं पिलाया, वो बस हमारी बारी पे अम्मा ने थोड़ी सी पालिश छाट ली थी बस। अच्छा अच्छा, चेरी ब्लॉसम वाले का कमाल। चल, आराम से खड़ा जाओ उधर। वो साहब हम बता रहे जलसे का इंतजाम करने जा रहा था। हाँ? हमीद का लड़का नहीं है, उसको हमने बोला हमारे साथ चलो, हाथ बटाओ। फिर वो कहने लगा हम किसी गधे के साथ चला जाएगा, तेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा? मेरे और गधे में क्या फर्क है भाई? तुम में भाई बहुत फर्क है। कैसे? गधा तो राह चलते इंसान को जमीन पे गिरा के भाग जाता है, और तुम तो चलते फिरते इंसान को जमीन पे गिराते हो और बस गिरा देते हो। ये बात नहीं है फिर? हम तेरे को बताते हैं मेरे में और गधे में क्या फर्क है। क्या फर्क है भाई? बस ये 2 फीट का फर्क है। दो तमीज से बात करनी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। क्या तमीज? ये क्या कर रहे हो? फट जाएगा। अब जाकर दस्ती बाबा फट जाएगा। फटते हैं तो फट जाए। हाँ। दूसरा भी है। वाकई में खान लगा तू? नहीं, ये बम है। हाँ। बम तो ये भी है फिर, लेकिन ये ठुस बम है। ये देखो 19-20 का फर्क है। ये ठुस बम है, तेरे घर में चल के ठुस हुआ ये। आराम से सब बातें छोड़ो। हाँ साहब, एक बात बताओ, इंतजाम सारा हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता। क्या? साहब तो मर गया, वो जलसे में किधर से बोलेगा? टेप रिकॉर्ड से। और पब्लिक का बात कैसे सुनेगा? अब इस मुल्क में पब्लिक की सुनता कौन है? हाँ ये बात ठीक है। कलाम ने एक सियासतदान से पूछा कि भाईजान आपका सेहत का राज क्या? फिर तो मेरे को बोलता है झूठ बोलना। ये भी उसने तुमसे झूठ बोला? क्यों? उनकी सेहत का राज है बैंकों से कर्जे लेके खा जाना। वो तू तो आराम से खड़ा जाओ, जला हुआ टायर। अरे कहां का जला हुआ टायर? तेरी माँ के पिजारों में लगा तुम्हें। तू मेरा माँ का पिजारों में नहीं, मेरा बाप के रक्षा में लगा हुआ था। क्या हो गया इसको बताओ? ये तो बहुत खानदानी आदमी है। खानदानी लोग हैं ये? इतना खानदानी है, इसका बाप मिरासी है। अच्छा अच्छा, वही आप वाले साहब। हाँ, इधर आओ। हाँ, मिरासी है। तुम्हारे घर पे तबला बजा के गया कभी? तभी से बात। खानदानी लोग हैं, अभी कल की बात है। अच्छा, ओहो, दादा चिड़ियाघर चले गए। जैसे चिड़ियाघर में दाखिल हुए, देखा खुला शेर बैठा हुआ। अच्छा, और दादा की तो खोपड़ी घूम गई। दादा बैठ गए शेर के ऊपर, इधर से पब्लिक, इधर से प्रेस वाले, सामने से पुलिस वाले, सब जमा हो गए, समझाने लगे। क्या? उठ जाओ, पीतल का है। चल के बच्चे इधर आओ। ईमानदारी से एक बात बताओ, तेरा अपना इलाज कौन से डॉक्टर से चलता है? मैंने इसको पहचान गया। क्या? इसका 3 दिन पहले अखबार में फोटो आया था। क्या? वो 3 बनमानस रोड पे नहीं आ गए? एक मर गया, एक में से ये
पकड़े गए। हाँ अच्छा चलो, हाँ ठीक है, हाँ ये सब बातें छोड़ो। आइए मम्मी, मैं आपको बेवा बनने की तैयारी कराऊं। हाँ ये ठीक है, इनको बेवा बनने का तैयारी कराओ, मेरे को जरा रंडवा बनने का तो कराओ। मैं तो कह रही हूँ दोनों को दफा करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें इज्जत के बाद के प्रोग्राम समझाता हूँ। वह तू कहां से इज्जत के बाद का प्रोग्राम समझाएगा, तेरा तो अपना मुद्दत पूरा हो गया। क्या बात है, नसवार भी ना लगाए। सारे के सारे नौकर गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई इस घर में नजर ही नहीं आ रहा। और एक जग्गा है, उसका तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया। जग्गा, ओ जग्गा! अरे रोशनी, हाँ अरे रोशनी, तुमने आवाज दी, तुम्हारा मरकरी का बल्ब आ गया है, अब हमारा फ्यूज उड़ाओ। मेरा नाम रोशनी है, मेरी वजह से सारा शहर जगमगाता है। ये माना कि तेरी वजह से सारा शहर जगमगाता है, लेकिन तेरी वजह से हर महीने बिला वजह 20-25 हजार का बिल भी तो आता है। अरे रोशनी, तुमसे शादी करेगा कौन? होगा कोई शेर का बच्चा। अबे कोई शेर का बच्चा है? एक दो बैठे हैं। उनको भी पता नहीं है कि शेर जानवर होता है। तुमसे जो शेर का बच्चा शादी करेगा, वो शेर भी दूसरे दिन गीदड़ हो जाएगा। क्यों? तुम रोशनी है, तेरे अंदर करंट ही बहुत है। हाँ रोशनी, हाँ तेरे बच्चे भी अजीब होंगे शादी होने के बाद। कैसे होंगे? तेरा बड़ा वाला बेटा होगा 100 वोल्ट का, छोटा वाला होएगा नाइट बल्ब, बेटी होएगी ट्यूब लाइट, एक आधा बच्चा तो तेरा होएगा फ्यूज है? फ्यूज होएगा मलंग। तुम कैसी बात करती है रोशनी? तुम इतनी बातें कर रहे हो, तुम मर्द हो क्या? हम मर्द, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मर्द है, इतना काफी नहीं है। कोई बोले बाबा कौन है, बोले बाबा मर्द है। तुमको बोले बाबा कौन हो, औरत है। मर्द की शान का तो तुमको पता ही नहीं है रोशनी, कि मर्द क्या है। क्या? अरे मर्द जो है फिजा में है तो राशिद मिनास है, सरहद पे है तो मेजर अजीज भट्टी है, मैदान जंग में है तो टीपू सुल्तान है, और अगर मर्द फखरे पाकिस्तान है तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है। और तुम बात करती है, मर्द तो पहलवान भी है, है? औरतों में पहलवान है कोई नहीं? बताओ हमारे को, कोई फातूड़ी पहलवान है, कोई रजिया पहलवान है? मर्द पहलवान है, लंगोट बांधी घूम। हेलो बाबो, पहलवान पहलवान तो पहले जमाने के होते थे, आजकल के पहलवान तो शक्ल से ही लुबान डाल लगते। तो पहले के जमाने के जो पहलवान होते थे उनकी खुराक कैसी अच्छी होती थी, एक एक वक्त में पूरा पूरा बकरा खा जाते थे। आजकल जो पहलवान है उनको खाने में जो बकरे मिल रहे हैं, उन बकरों को खाना नहीं मिल रहा है, मुर्दार बकरे। वो बकरे मिल रहे हैं जो ईद पे सोराब गोट से वापिस होते हैं। जाओ बाबा जाओ, बात करती है। वैसे एक बात बताओ, पहलवानी के शोबे में रखा क्या है? अरे पहलवानी के शोबे में क्या नहीं है, तुम शोभा तो अपनाओ। एक से एक दाव पेचे, बड़ी बड़ी कुश्तियां हैं, तुमको पता ही नहीं है। हम खुद बहुत बड़ा पहलवान हूं,
नहीं भाई, हमारा एक पहलवान से मुकाबला हो गया। फिर इधर से वो पहलवान निकला है, फिर इधर से हम निकला ही नहीं। क्यों? हम लंगोट बांधना भूल गया था। उस पहलवान का मेरा मुकाबला हुआ है को बजरी के ढेर पे, बजरी के ढेर पे मुकाबला हुआ, मुकाबला शुरू हुआ है गुरु मंदिर पे, खत्म हुआ है सोराबगोट पे। सोराबगोट पे? अरे वो बजरी का ट्रक था। हम खुद सोच रहा हूं, हम पहलवान को दाव लगा रहा हूं, बीच में से लालू खेत गुजर रहा है, दूसरा दाव मारा करीमाबाद। अरे हम बोला ये पहलवान है या रिक्शा है, अजीब हालत हो गई। अच्छा, वैसे तुम सही बोलती है रोशनी कि पाकिस्तान में जितने भी नौजवान है आजकल की नई नस्ल, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी पहलवान थे या नहीं थे। अब तो पुराने पहलवानों की तस्वीरें रह गई हैं, वो भी लस्सी वाले की दुकान पे या कुल्फी वाले के ठेले पे, तंबूरा पकड़ा हुआ है बैठा हुआ है। मासूम बच्चे डरते हैं फोटो देख के, अपने अब्बा को कहते हैं अब्बा ये कोई जिन है क्या? बताते बाबा ये जिन नहीं है, ये पाकिस्तान के पहलवान थे। पाकिस्तान के? आऊ करी बातों को छोड़ो, मुझे तुम्हें ना एक बात बतानी है। बताओ ना। बात दरअसल ये है। दरअसल छोड़ो, बताओ। आना आना क्या होता है बताना। बात दरअसल ये थी क्या होती है बताना। जो बात नहीं, बात करना जरूरी है बताना। मैं ये बोल रही हूँ। ये बोलना क्या होता है बता दे। मेरी सुनो तो सही। तेरी सुनना क्या है बता देना। मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनो बताना। नहीं बता रही। बताना, मेरी बहन नहीं आई। एक दफा में कुछ नहीं होता है, आदमी को अंदर से कमी ना होना चाहिए। बता क्या बात है। बात ये है कि सेठ साहब की लाश को ना चारों तरफ से मकोड़ों ने घेर रखा है। सेठ साहब की लाश को मकोड़ों ने घेरा है? अरे तो तुम लड़कियां मकोड़ों से ही सबक हासिल करो। क्यों? वो मकोड़े लाशें घेर रहे हैं, जो जिंदा है तुम घेर नहीं रही हो। थोड़ी देर के लिए हमको भी लाश समझो, सूजी हुई लाश। खुद बन जाओ मकोड़ी, चक्कर लगाओ। मेरा मतलब यह है कि सेठ साहब की मैयत को चारों तरफ से मकोड़ों ने घेर रखा है। अल्लाह खैर करे, सेठ साहब को शुगर तो नहीं है? शुगर होती है ताई आते मकोड़े और चूटियां। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पता क्या किया, मैंने सेठ साहब की लाश के ना मोजे उतार दिए। अरे मोजे क्यों उतारे? हो सकता है लाश को गर्मी लग रही हो। अरे हमने खुद पहनाए थे। क्यों? हम बोला साहब मरने के बाद ऊपर जाएगा, अगर जन्नत मिली और जन्नत में सर्दी हुई तो फिर उधर ऊपर क्या जामा खिलाते है क्या? मोजे कहां से खरीदेगा? अरे छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि साहब की लाश को डॉक्टर ने ऐसा कौन सा केमिकल लगा दिया। डॉक्टर चरिया है, उसने साहब की लाश पे केमिकल नहीं लगाया है। तो कैरम बोर्ड का बोरिक पाउडर डाला है। हमने साहब की लाश को हाथ लगाया, हमारा हाथ ही स्लिप हो गया। हम बोला रे साहब मरने के बाद चिकना हो गया, इतना लसा लसा। हम लाया क्वीन, क्वीन आगे रखी, पीछे स्टाइगर रखा, हमने मारा टुंग, क्वीन गायब हो गई। गायब हो गई? साहब मरने के बाद डब्बू हो गया है। चलो। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि साहब की लाश कहीं बदबू ना मारे। क्या मारे? साहब की लाश कहीं बदबू ना मारे। अरे पागल हो गई है क्या? लाशें कभी बदबू मारती है? जिंदा कार्रवाइयों का काम है, लाशों को क्या पता था लाश है बेचारी। अब क्या करूं? जाओ लाश के पास बैठो। मैं भी लाश के पास बैठ रही, मैं बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ। तो लाश को लतीफा सुनाओ। भाई मुझे लाश से डर लगता है। अरे डर काहे का, वो तो लाश है। लाश उठ के बैठ गई तो तुम फिर लिटाते हो। तुम्हारा मथे कौन लगे? लगना मथे, हमने टोपी पहनी है। नहीं, अल्लाह खैर करे यार, सेठ साहब की लाश पे मकोड़े आ गए, हमने कानों में तो रुई डाली है। अल्लाह खैर, माशाल्लाह लाश के पास से उठ के मकोड़े इधर तक आ गए। ले बताओ जब जमाना आ गया है। बेटा माँ को बेवा होने के फायदे बता रहा है। कौन बेटा? निजाम। पागल हो गया है निजाम। क्यों? निजाम को पता ही नहीं है काएगा?
कि जब एक दफा जिंदगी में औरत बेवा हो जाए ना, हाँ, तो फिर इद्दत के दिन गुजारने के बाद फुल आजाद होती है। अच्छा, तुमको तो पता होगा। नहीं, मुझको क्यों पता होगा भाई? तेरी मां ने चार शादियां नहीं की है? मेरी मां ने नहीं की है, फिर मेरे बाप ने की है चार शादियां। बाप ने चार चार शादियां की हैं, फिर भी प्रोडक्शन ये। माशाल्लाह, मुंह देखो। एक हमारे पास है चौसा, ये आई है मीरपुर खास की सिंदड़ी। सिंदड़ी भी वो है जिसमें जूस ही नहीं है, खाली गुठली गुठली है। माशाल्लाह, बटी क्या रबड़ जैसा मुंह है, है? ये देखो, ऐसा लगता है डब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल। टिश्यू? माशाल्लाह, तुम इतने मुंह में खड़े हैं। हाँ। हजाम के पास जाता है दाढ़ी बनाने, हाँ? मुंह में गेंदे रख के जाता है। माशाल्लाह, अभी हम स्त्री लेके आता हूँ, तुम इधर ही खड़ा रहे हो। क्यों? स्त्री करनी है, फिर पलक इधर लगाएंगा। तमीज से बात करनी, बिल्कुल तमीज से। काहे कि तुम है कौन है? डॉक्टर। हमारा इलाज करो। मैं भी चेक कर लेता हूँ। हमारी धड़कन बहुत तेज होती है आजकल, अभी देख लेता हूँ। ओहो, तुम्हारी नब्ज बहुत तेज चल रही है। तुम है कोई पागल आदमी? क्यों? अरे घड़ी पे हाथ रखा है। मैं भूल गया, अभी चेक कर लेता हूं। ओहो, बहुत ही भयानक आदमी है भाई। क्यों? अबे दिल में गालियां दे रहा मुझे। हम तो मुंह पे दे सकता हूं। क्या तुम्हारा खगा मच्छी जैसा मुंह है? उतर खड़ा हो जाओ, झूठा दिलदार प्रवेश भट्टी। खड़ा हो, ये नहीं करो, ये देख का सुई बंद करो, ये नहीं करो। मैं देख लूंगा। अरे खड़ा रे अंदर। अरे आओ रे सारे लोग। एक तो दादा ने बड़ा परेशान किया हुआ डॉक्टर। क्यों? 24 घंटे हिलता रहता है। किलो दूध मंगाओ, आधा किलो ले आता है, आधा किलो इधर उधर। अरे दादा, तुम क्या 24 घंटे मोल्टी फार्म पे खड़े रहते हो? ये छड़ी रोको, हर जगह खड़े की हमें। ओ दादा, इतना दूध फेंकते हुए आ रहे हो, घर से छिड़काव करने निकले हो? बकवास न कर, ये बता, तूने मेरे बेटे को कैसा इंजेक्शन लगाया है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? अरे होश आ जाएगा दादा। भाई तुम ऐसा करो। नहीं, तुम ऐसा करो, जल्दी जा, आराम से चलो, जल्दी जल्दी। मजा आ गया भाई। मजा आ गया? हाँ। क्या पिया तूने? दूध पिया, दूध। कौन? दूध में ही था। तो फिर क्या था? चूने का पानी था। चूने का पानी? क्या कर रहा है? उल्टियां बंद करो। क्यों? मर्दों को अच्छी नहीं लगती हैं। हुआ क्या है? चूने का पानी पिला दिया मुझे। चूना पिया है? हाँ। अब एक काम करो, बाहर जाओ पाना लेके दुकान पे, थोड़ा कथा पियो, फिर थोड़ी छालिया खाओ, फिर थोड़ा तंबाकू खाओ, फिर हिलता रहे मिक्स पति का मजा ले। मैं मीठा पान खाता हूं, गुलकंद तुम्हारे घर से डलवा लूं? गुलकंद तेरे को मिलेगा पुरानी फैक्ट्री से, गुलकंद थोड़ा एक्सपायर होएगा। ऐसी ठीक है, मैं तुझे देख लूंगा दादा। क्या देख लेगा तू दुश्मन? अभी तो मैं तुझे और भी जलील करूंगा। तुम और जलील नहीं करो दादा। क्यों? अल्लाह ने पहले कम किया है। ना ना, ये तो किसी अफ्रीका के आदमी की शरारत लगती है मुझको। ऐसी कोई बात नहीं है, इसे बताओ। माशाल्लाह, अफ्रीका के आदमी की शरारत थोड़ी है, ये तो कोई हबशी बदला लेगा। अच्छा, ये हबशी बदला लेगा? तुम्हारे टाइम में अदनान समी चक्कर लगा गया? चलो, हमारे टाइम पे अदनान समी चक्कर लगा के चला गया, ये हबशी 3 महीने रुक गए थे। मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? तू आराम से खड़ा हो जा, किसी चरसी माँ के बच्चे। काय का डॉक्टर है तू? यूसुफ योहाना के साले। उसको बोल रहा है यूसुफ योहाना के साले, अपने आप को नहीं देखा क्या? राणा टूंगे का अबू। ओ दादा दादा, हर
पिला रहे हो, कभी लस्सी भी ले आओ। वासा क्या कर, ये क्या कर रहे हो, काम ले लो, मालिश कर दो, मालिश कर दो। अरे दादा ये चरिया डॉक्टर है, इसको पता ही नहीं है शहजादा क्या होता है। कौन शहजादा? तुम्हारे सामने खड़ा है। तू शहजादा है तो फिर मैं क्या हुआ? तुम भी शहजादे हो। हाँ, जो रिक्शा के पीछे लिखा होता है वो गया शहजादा, कच्चा इल फेंकता हुआ। चल, हर वक्त हिलते रहते हो तुम, क्या ट्रेन में सफर करते हो? बकवास करता है। ये भी अगर शहजादा है तो फिर मैं क्या हुआ? मनोज का बच्चा। कौन है? दादाजान। हेलो दादाजान। दादाजान, ये बताए कि शेरे का बच्चा कहाँ है? शेरे का बच्चा? भाई शेरे की तबीयत में शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आया? दादाजान मैंने मिसाल दिए। गलत मिसालें देती हो तुम भी तो। भाई जो फैक्ट्री अभी बनी नहीं उसका माल मार्केट में आप पहले से कैसे आ गया? तो अबा है दादाजान, आप तो हर बात में घुस के बात का मतलब निकालते हैं। क्या क्या बताएं कि डैडी को होश कब आएगा? होश कब आएगा भाई पता नहीं, ये कमबख्त तो मुझे उस कमरे की तरफ जाने नहीं देते। हाँ दादाजान, भाई जान ने और मम्मी ने मुझे भी उनके कमरे में जाने से मना कर दिया है। दादाजान हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। क्या? कि खुदा ना खास डैडी। ना ना बेटी, ऐसा ना सोचो, ऐसा मत कहो। अगर है ना बेटी, नाजुक दिल की होती है बेटियां, भाई इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि हाँ शेरे से तुमने क्या मंगवाया था? दादाजान मुझे ना उससे एक चीज मंगवानी थी। चीज मंगवानी थी? कमबख्त मुझे तो कह रहा था मैं चीजें लाने वाले काम नहीं करता है? आप भी तो उनसे गलत चीजें मंगवाते हैं। क्या गलत चीजें उससे मैं मंगवाता हूँ? मैंने उसे मुनिका मंगवा ली थी। नहीं तो फिर क्या मंगवाई थी? जमीला। क्या? जमीला मेहंदी का कहा था। ओ। कमबख्त लेकर ही नहीं आया, तुमने क्या मंगवाया था? मैंने है? मैंने ना उससे शाहरुख खान की फिल्म मंगवानी थी। खबरदार, कोई शाहरुख खान की फिल्म इस घर में नहीं आएगी। क्यों? क्या शाहरुख ने आपके भैंस चुरा लिए? नहीं, उस कमबख्त को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मगर आपको गुस्सा क्यों आता है? मुझे लोगों ने बताया है कि वो हर फिल्म में मेरी कॉपी करता है। रहने दे दादाजान, कहाँ आप और कहाँ शाहरुख खान। हाँ यही तो मैं लोगों से कहता हूँ कि कहाँ मैं, कहाँ वो शाहरुख खान। लेकिन लोग भी मानते नहीं, कहते जी आप माने ना माने आप दादाजी शाहरुख खान लगते हैं। आखिर तो झूठ तो नहीं कहते, मैं भी लोगों से कह देता हूँ। किरण रहने दे दादाजान, आपका तो कोई रुख ही नहीं है। वो क्यों? ये देखिए, लगता है आप भी किसी गरीब मुल्क के वजीर आजम थे। कैसी बातें कर रही हो, मुझे भी जेल भिजवाओगी क्या? गलत बात वो सुन लेगा, वैसे भी हालात ठीक नहीं है आजकल, समझ गए, कोई किसी की नहीं सुनता, उठा के सीधा जेल में डाल देते हैं। हाँ दादाजान। भाई आज तो ऐसा करते हैं क्या कि दोनों अंदर चल के शतरंज खेलते हैं। हाँ दादाजान ये ठीक है। चलो भाई चले, चले, चले। आ जाओ। अंदर आके बात करो, अंदर आ। हमारे घर आ गए? आ गए। अब हमारे घर मेहमान आएंगे। क्यों भाई? कौवा आ गया ना। दिमाग खराब मत कर, पैसे निकाल, जल्दी से पैसे दे, मुझे बाहर भी जाना है। कौन से पैसे? अरे होटल में रोटी खाए उसके पैसे दे दे। खाना खाए ऊपर से पैसे भी दे। क्यों? वाह वाह, रिस्क पड़ा था मैं खा गया। अरे कमाल का रिस्क खाता है तू। हाँ समझा करो। मैं समझ गया मैं। माशाल्लाह इधर खड़े रहो। क्यों? ये क्या कर रहा है? दर्द हो रहा, बाम लगा रहा हूँ। बाम का बचा, पैसे निकालने की बात कर तू। कितने पैसे हैं? 100 रुपए। चलो 1000 दो। 1000 मैं दूँ? दे रहा हूँ ना वापिस। ढाई के मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। 1000 तो नहीं होंगे। कितने? 900 है। पिछले कितने थे? 100। मांगे कितने थे मैंने? 1000। 100 आ गए। हाँ। नया हिसाब शुरू।
हिसाब समझ में नहीं आया। पिछले मिल गए ना? हाँ। नया शुरू नहीं आ रहा है समझ? नहीं। तीसरे दिन 2000 लेके आना, फिर समझाऊंगा। 2000 मैं सामने लेकर आऊं? हिसाब ऐसे ही समझता आदमी। इधर आओ, एक मशवरा दूं। क्या? गोरा होना है। कैसे? भैंस का दूध पिया करो। भैंस का दूध पीने से आदमी गोरा हो जाता है? हाँ। तो कट्टा काला क्यों है? उसकी वजह है क्या? वो बदतमीजी से पीता है। हमारे बदतमीजी। जा भाई जा, माशाल्लाह इतने काले हो तुम। हाँ। जिस साबुन से नहाते होगे, 5 मिनट बाद साबुन नहाने चली जाती होगी। दिमाग खराब मत कर, हंसा ना कर। क्यों? लगता किसी ने सिंगाड़ा छील दिया। और जा भाई, ढकना टाइट कर दूं? नहीं, ढकना टाइट नहीं करना है, ये हिसाब समझ में नहीं आ जाएगी यार, आस्ते आस्ते सब आ जाएगी। हाँ हाँ, 100 आ गए ना? हाँ 100 आ गए। खुश है? हाँ। बस 900 का नया हिसाब। हाँ 900 का नया हिसाब। मेरे से कर्जा लेने आया था, मुझे किल्टन से दिला दे, उसका बाप वसूल नहीं कर सकता। तुम्हारे किधर गया था भीमपुरे का खुसरा? मैं तेरे घर छठी में आया था। हमारे यहाँ छठी में आ ही नहीं सकते हो। क्यों? हम लोग डायरेक्ट सातवीं। मेरे साथ हो गया मसला। क्या हुआ है? मैं सौदा लेके निकला ना, मेरा दोस्त मिल गया। हाँ। मुझसे कहने लगा, यार ये हवेली नहीं, यहाँ पे ना जिन भूत हैं। फिर? मैं कहा कोई जिन भूत नहीं है। बोला तलाशी लो। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी निकला। हाँ। मैं कहा भाई यहाँ जिन भूत हैं? कह रहा मुझे क्या पता भाई, मुझे तो मरे हुए 300 साल हो गए, वहां जिन भूत तो नहीं है। 300 साल वाला तेरा बाप था? वो जिन भूत था? तो वही तो भूत था, भूतनी के। अच्छा वो बात नहीं बड़ी। तुमको हमने भेजा था सब्जी लेने। हाँ। ले आया? ले आया। हमको पैसे का हिसाब दो। ले आओ। आओ। एक एक पाई का हिसाब दो, हमारे को बेगम साहब को पैसों का हिसाब देना होता है। मैं कोई मेहमान आदमी हूँ, अभी अभी एक हिसाब किया, सोचता हुआ जा रहा होगा वो भी। ले आओ हिसाब। दे समझ आई? हाँ। आ जाओ। हिसाब दो। ले आओ। ओके। हाँ। आ जाओ। ये हिसाब है या एहतिसाब है जो समझ में नहीं आ रहा है? हिसाब चाहिए? हिसाब दो। ले आओ। दे आओ। ठीक है। हाँ। आ जाओ। ऐसा वैसे क्या हुआ? तुम समझ रहे हम शिकारपुर का है? ऐसी बात नहीं है, शिकारपुर में हम सिर्फ 2 महीने रहा हूं। अच्छा। बाकी हम ठट्ठे में रहा हूं। ठट्ठे में साइंसदान रहते हैं। आओ। चलो लो हिसाब। हिसाब दो। 100 रुपए का ना? आओ। ठीक है ना? खत्म। चलो लो। 10 रुपए की सब्जी। 10 रुपए की सब्जी। 10 रुपया सब्जी वाले को। 10 रुपए। हिसाब लगाओ, ध्यान ना दो मैं फंसूंगा। कितने हो गए? 20। बाकी? 80। 10 रुपया फकीर को दिए। फकीर को क्यों? उसने रिक्शा पकड़ना था। फकीर रिक्शा में गया? हाँ। तुम? बस में आया हूं। ये तो मुझे बाद में पता लगा, मैं बुद्धू बन गया हूं। 10 रुपया फकीर को दिए, 10 उसने मुझसे लिए। कितने हो गए? 40। बाकी? 60। 10 रुपये जेब कट गई। 10 रुपये की जेब कटी? वो अलग से रखे हुए थे ना। वो 7 वाले को ठोंसा मारा, मैंने समझा इसने जेब काटी, यहां से फाड़ दिया, पता लगा इसने जेब नहीं काटी, फिर 10 रुपये उसको पट्टी के दिए। कितने हो गए? 60। बाकी? 40। 5 रुपये की अदरक, 5 अदरक वाले को। कितने हो गए? 70। बाकी? 30। 10 रुपये फिर गिर गए। ये फिर वरी कैसे गिरे? जेब फटी हुई थी ना। तो जेब सिलवाई क्यों नहीं? तो 10 रुपये देके फिर जेब सिलवाई। कितने हो गए? 90। जहां महंगाई में 90 खर्च होता है, वहां 10 का पता लगता है।
लगा है, मैं 10 का क्या या 100 का ही पता नहीं लगा है, ऐसा पता चला है जवान ने। बड़े शाबाश है जवान का पुत्र, तुम तो एक काम करो, बड़ा हो के तुम लीडर बनेगा। ना लीडर ना, फिर वजीर खजाना। हमने तुमको कितने दिए? 100। तुमने हमारे से कितने लिए? 100। कितने हो गए? 200। हिसाब कितने का दिए? 100 का। बाकी 100 का भी दियो। चाहिए? आओ आ जाओ सोफे पे। सोफे पे तो कभी भी नहीं आऊंगा। क्यों? सोफे पे आऊंगा उल्टा 30-40 और निकल जाएंगे। तो तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग सियाने होते हो? सियाना है, चालाक आदमी हूं। अल्लाह माफी, तेरे जैसे होते हैं लाड़काना से चढ़ते हैं बगैर टिकट के, ट्रेन में चढ़ते हो मासूमियत से खड़े हो जाते हो। बाबा थोड़ी जगह मिल जाएंगे, मुसाफिर आदमी है, दुआएं देगा। बोला आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मेहरबानी बाबा, थोड़ी और मिल जाएंगी जगह, आ जाओ। थोड़ी और मिल जाएंगी, आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठा होता, तुम लोग ऊपर बैठे हुए होते हो। बाबा कराची आए उतार देना। ये भी तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से सीटें नहीं मिलती हैं, ट्रेन के लेटरिनों में घुसे हुए होते। अरे आदमी जावे, कोई काम याद आया, बाहर ही खड़ा होगा बंदा। अरे बाबा किधर जा रहे हो? हमारा भाई गया हुआ। अरे 6 घंटे हो गए, दरवाजा खोलो, अंदर सोया हुआ। अरे तुम सोया है लेटरिन में, तुम्हारे दम नहीं घुटते? बोले बाबा कैसे घुटेगा, गोल गोल सुराग है, नहीं सांस लेते। तू तो ऐसे करे जैसे मंदिर भपारे ले रहा हूं। सुराग में देखते भी जाते हो? अरे कोटरी निकला है, अरे नहर आई है। चलो हम तो एंजॉय करते हुए जाते हैं, तुम लोग सुबह सुबह खेतों में जाते हो अपना कारोबार करने के लिए। ओ का कारोबार नहीं हो तो सुबह ही सुबह दिल की भड़ास निकालते हैं। और तुम लोग अमीर लोग, हम तो गांव वाले बोले बाले, चलो खेतों में चले गए। तुम लोग यहाँ शहर में आओ, बाथरूम में चारों तरफ शीशे ही शीशे, अंदर घुसते हो। अरे जो काम है करना है वो करो, तुम क्या फोटो खिंचाने आए हो यार? हम तो शीशे लगवाते हैं जानबूझ के, कई जगह पे नजर नहीं आ रहा, देख देख के साबुन लगाते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आ तुम तो, तुमको नजर नहीं आवे साबुन तो शीशे में देख। हमारा गांव ठीक है, नजर नहीं आवे सीधी बात। अरे रहीम बख्श इधर आओ, साबुन तो लगाओ। रहीम बख्श भी थोड़ी देर के लिए आता, फिर आधा घंटे के लिए दिल लग जाता उसका। अल्लाह माफी, इतने सीधे होते हो तुम लोग, कराची आते हो सीधे कायदे आजम के मजार पे। बाबा हमारे को बेटा हो, एक बेटा दिया बाबा। तो क्या हो गया, वो तो कायदे आजम है, इतना बड़ा पाकिस्तान दे सकते, हमारे बेटा नहीं दे सकते। ओ पागल, वो बुजुर्ग होते हैं। तो कायदे आजम भी तो बुजुर्ग है, तेरे अब्बा भी तो बुजुर्ग थे, उनपे चादरें चढ़ती थी। मेरे अब्बा और चाचा पे चादर चढ़ती थी, लेकिन अंदर वो। अच्छा, अल्लाह माफी, तुम लोग होते ही अजीब हो। क्यों? सीधे आते हो तारिक रोड पे, गांव से चलोगे सीधे तारिक रोड पे, बत्तियां देख रहे होते हो, गाड़ियों से टकरा रहे होते हो, बुतीक के सामने खड़े हो जाते हो, स्टेच्यू लड़की का रखा हुआ है। स्टेच्यू क्या? बुते प्लास्टिक की लड़की, उसको देख के खुश हो रहे होते हो। अभी मेरे से बोलेंगी, मेरे को देख के हंसेंगी, मेरे से शादी करेंगी। चलो हम लोग तो गांव वाले लोग हैं, उधर जाते हैं बुतीक पे, स्टैचू से बात करते हैं, अभी फंसेंगी, मेरे से शादी करेंगी। हम वो लड़की देख रहे होते हैं, इतने में तेरे जैसे आते हैं। और भाई ये क्या देख रहे हो, ये तो पत्थर की है, हमारे साथ चलो सच्ची की दिखाते हैं। तू कोई भोला नहीं है, तू अंदर से कमीना आदमी है। तेरे जैसे होते स्टेशन पे पेड़े वाले लस्सी बेच रहे होते। बाबा पेड़े वाली लस्सी पियो, वो चलती ट्रेन से किसी ने मांगा, देना है गिलास। बाबा पकड़ो,
और ट्रेन जा रही है पीछे पीछे होता बाबा गिलास तो दे बाबा गिलास तो दे बाबा इनाक रही लाना ते ये भी तेरे जैसे होते जो गिलास रख लेते हैं और गिलास लेके बीवी को देते बेगम रख लो ट्रेन में लोटा नहीं होता है। तुझे सारा पता तो फिरता ही रहता है मनुष्य। अल्लाह माफी तुम लोग जैसे होते ना पिंड से आते हो गांव में शहर में अब रोड क्रॉस कराने में दो दो घंटा ले लेते हो। बाबा सुबह जाएंगे फिर कोशिश करते हो फिर जाते हो फिर आते हो पीछे से पुलिस वाला आता है बोलता भाई ये हरी बत्ती जल गई है अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी निकल ले। चलो हम लोग तो फिर भी देखभाल के जाते हैं तुम लोग शहर वाले बगैर देखे चले जाते हो ऊपर से ट्रक गुजर जाता है दूसरे दिन अखबार में आता है आठ बहनों का इकलौता भाई मर गया। क्या हालात हैं घर के? घर के हालात खतरनाक हैं। क्या हो गया? निजाम ने खून कर दिया है। निजाम तो इस मुल्क में न जाने कब से खून कर रहा है। तुम कौन सा निजाम समझाए? वो जो निजाम चला रहा है सेठ उबेद के बेटे ने अपने सगे बाप का खून कर दिया है। क्या करना है? अभी सुबह उसकी लाश को जलसे में लेके जाना है तूने मैंने खान ने। तो फिक्र क्यों करता है? शेरा बदमाश तेरे साथ है पलट के देखना अगर नजर आ जाओ फिर बोलना। कल मेरे को कह रहा है शेरा तेरे साथ है गोलियां चलेंगी मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। हम बोला लड़का गोली खाएंगा? बोला नहीं चलेगी हम बैठ जाएंगा। मेरी जान जहां तेरा खून बहेगा वहां शेरा क्या करेंगे? पोछा लगाएगा। तुम है कोई मासी की औलाद? यार अच्छा नहीं लगता खून पड़ा हुआ तो हमारा खून है पोछा लगा रहे। मेरे से भी गलती हो गई है। क्या? मैंने इंस्पेक्टर मुरली को फोन करके कह दिया साहब ने जलसा कैंसिल कर दिया है अब मुझे डर है वो तफ्तीश के लिए आएगा। अरे तुमने मुरली को केस दे दिया है उसको तो ब्रीफ केस नहीं देवे। अल्लाह मालिक सुबह है। आ जाओ अपने बाप का ही घर है। तुम बाहर बच्चे से क्यों लड़ रहे थे? वो बच्चा है वो शैतान का बच्चा है मुझसे पूछ रहा है ये पुलिस आवाम की खादिम होती है। मैंने बोला हाँ। बोला जाओ फिर चड्डी धोकर ले आओ। बताओ मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा तुम मुझसे पूछ रही हो तुम बताओ कल हीरोंची से क्यों लड़ रही थी तुम? वो तो कल मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अच्छा फिर उसने मुझसे माफी मांग ली। अच्छा और कहा मैं वादा करता हूँ तुमसे शादी करूंगा। ओ शादी वाली बात पे गुस्सा आया होगा? नहीं उसके झूठे वादे पे। अच्छा ओह मैं कह रही चेक इन कर लो। कोई चेक इन करने की जरूरत नहीं है हमारा साहब तो वैसी वहमी आदमी है इतना वहमी है जब अपने घर जाता है वहाँ भी दीवारों से कान लगाकर सुनता है अंदर कोई दहशतगर्द तो नहीं है। फिर कभी कोई दहशतगर्द निकला? नहीं दहशतगर्द तो आज तक नहीं निकला दो दफा उसका पड़ोसी निकला था उसका साला है वो इसलिए। वैसे हमारा साहब है बड़ा शरीफ ईमानदार आदमी आज तक उसने हराम खाया ही नहीं है बस सिर्फ बेगम को खिलाता है। तुम्हें कैसे पता? देख लो उसकी सेहत देख लो खुद दुबला पतला बेगम मोटी था नहीं है जब जाता है ऐसे लग रहा है हाथी के साथ बकरी जा रहे हैं। आया साहब को भी बड़ा साहब जी वो साहब जी अंदर आ जाओ। वो तुझे नहीं बुलाया साहब को बुलाया था वो साहब को बुलाया साहब वो तू मेरे लिए भर्ती हुआ है छोटा सिपाही देकर तड़िया ने लड़ा ना वो तेरा साहब हूँ ख्याल किया कर ड्रेकुला की तरह हंसता है ख्याल करना मेरा। नहीं कर मैं अम्मी को बुला लूंगा। वो क्या है बाथरूम में भी नहीं छोड़ता उधर भी सलूट मारने आ जाता है। ठेंगा 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 वो पीछे लड़की खड़ी है अब करे
अपने साहब के साथ उल्टी हरकतें करता है तू? गलती हो गई सर, गलती हो गई, गलती हो गई। एक दफा गलती किया कर बार बार करता है। क्या हुआ सर? कल क्या किया तूने? क्या हुआ? 4 बजे एक चोर को पकड़ा, 5 बजे छोड़ दिया। क्यों? सर ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था। अच्छा, वो हमारा साहब कहाँ है? मोबाइल में सो रहे हैं। अच्छा अच्छा है, और जल्दी उठा जाकर, एसपी ने छापा मार दिया, सारे अंदर हो जाएंगे, जल्दी उठा। एक मिनट, आ जाओ सर जी, अंदर आ जाओ। तुम लोग हाथ नीचे करो। क्यों? मैं पुलिस वाला हूं, कोई नाई नहीं हूं। और तू बात सुनो जी जी, ये पिस्टल लेकर तू आ गया। हाँ। मुझे बताओ तो सही कि मैं पिस्टल लेके जा रहा हूँ? क्यों, क्या हुआ? मैं डंडा लेके खड़ा हुआ। हाँ। लोग जमा हो गए। क्यों? कहने लगे हमारा गटर ही खोल दो। और तू बात सुनो जी सर, जब मैं मोबाइल में सोया था जी जी, तो मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या हुआ? 5 घंटे तक दुम्बा मेरा मुंह चाटता रहा। सर जी, वो दुम्बा नहीं था, कुत्ता था। तो तुझे किसने कहा कि सुबह सुबह मेरा मुंह चाटा करो? ऐसे सर जी। हाँ जी। आपने कभी चोर पकड़ा? बड़ा सख्त करके है? एक दफा मैंने चोर पकड़ा। हाँ। सारी रात उसकी पिटाई की। अच्छा, सुबह छोड़ना पड़ गया। क्यों? वो मेरा बाप था यार। सर जी, मैंने सुना कल आप शिकार पे गए थे। बड़ा जबरदस्त शिकारी हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, शिकार मेरे से डरता है। कहते कि कहीं ये मुझे शिकार कर ना ले। कल की बात है, मैं जंगल में गया। हाँ। जैसे मैं घुसा हूँ, हाँ, पहले तो जानवर मुझे देखकर हंसने लगे। क्यों? कि ये कौन सा जानवर आ गया भाई। थोड़ा आगे गया। हाँ। एक शेर। हाँ। मैंने शेर से कहा, ओए शेर। हाँ। शर्म कर, जंगल का बादशाह के मर्द के सामने नंगा खड़ा। हाँ। हाँ। शेर शर्मा गया। क्यों? वो शेर नहीं थी। अजीब बातें करते हो उस्ताद तुम भी। उस्ताद कहेगा मैंने वेल्डिंग सिखाई है तुम्हें? ऐसे साहब, मैंने सुना कल आपका बदमाशों से फड्डा हो गया। बड़ा जबरदस्त फड्डा हुआ। तेरे भाई का? मेरे भाई का कौन? मैं तेरा भाई। मैं कोई भंगी की औलाद हूँ? बड़ा जबरदस्त फड्डा। अच्छा, इधर से 5 बदमाश। हाँ। इधर से ये जवान का बच्चा। कौन जवान का बच्चा? मैं जवान का बच्चा। मुझे तो कल W11 के कंडक्टर ने बोला, क्या गेट छोड़ जवान। इधर से 5 बदमाश। हाँ। इधर से ये जवान का बच्चा। हाँ। उन्होंने छुरियां निकाली है। हाँ। मेरी हंसी निकल गई। क्यों? उन्होंने नाला ही निकाल लिया। हाँ। यार अजीब और गरीब उस्ताद। एक आदमी की जान देखो, उसके बाद हाथ मारो। सर जी। हाँ जी। एक बात करनी थी। बोलो। जब से इसका बंदर मरा है, मेरे साथ ही घूमता। हाँ। तो उसके बंदर की शक्ल आपसे मिलती है ना? अच्छा सर जी। हाँ। वैसे कल तो बड़ी अयाशी हो रही थी। क्यों? भाभी के साथ टांगे हुए। कल तेरी भाभी के साथ बड़ा सीन पार्ट हो गया। क्या दे? तेरी भाभी को मैं टांगे में लेकर गया किलफ्टन। हाँ। मुझे कहने लगी मेरे लिए टांगा लेकर आओ। अच्छा। मैंने उसको टांगे में बिठाया। हाँ। इत्तफाक से घोड़े का पेट खराब। अच्छा। थोड़ी देर बाद तेरी भाभी मुझे क्या कहती है? क्या? इसको बोलो कीमे वाली मशीन तो बंद करे। मेरी तो हंसी निकल गई। हाँ, कमजोरी से निकली होगी। कल बड़ा सीन हो गया। कैसे? कैसे? बड़ा सीन पार्ट हो गया कल मेरे साथ। कैसे? हैरत में आ गया कल मैं। क्यों? मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया। अच्छा, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है यार? तो तू देखे दिखा अभी तो। हाँ? क्या हो गया? माजाला सर जी। हाँ जी। ये बेल्ट इतना नीचे क्यों बांधा हुआ है? बस यार, मुजरिमों के पीछे भागता हूँ ना, नाफ उतर जाती है। मैं बोला इसको नहीं कस के रखो। हाँ जी। अरे सर जी, एक बात बताएं। क्या? ये इंसान क्या है? मेरी नजर में तो इंसान खुदा की मखलूक है। हाँ। वैसे अगर देखा जाए तो इंसान घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है। घोड़ा गधा कैसे? मेरी जान, घोड़ा उस वक्त होता है जब जवानी के जोश में अपने माँ बाप को पालता है, उनकी खिदमत करता है। अच्छा। गधा उस वक्त होता है जब जवान बेटी के जहेज का बोझ उसके कांधे पर आ जाता है। अच्छा। कुत्ता उस वक्त होता है जब नई नवेली बहू सुसर की चारपाई कुत्ते की तरह उठा के घर से बाहर कर देती है। इस लिहाज से तो आप गधे हुए। मैंने बुराई नहीं माना। क्यों? ये सब कौन बैठे? हाँ, ये है? ये सब खुदा की मखलूक। तो मेरी जान, इस खुदा की मखलूक को हंसाने के लिए मुझे गधा तो क्या, अगर कुत्ता भी बनना पड़ा तो मंजूर है। हर बात का तू मुझसे पूछ रहा।
सर जी एक मिनट, हाँ जी ये वायरलेस निकलवा दो गाड़ी से। क्यों? ये बार बार बजता है। ना कहो ना कहो, वायरलेस को बुरा ना कहो। क्या हो गया? वायरलेस बड़े काम की चीज है। कैसे? वायरलेस पे हमें इतना मिलती है कि फलानी जगह पे डकैती होने वाली है। हाँ। फलानी जगह पे अगवाए बराए ताफतान होने वाले। हाँ। ताफतान नहीं तावान। अबे मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। अच्छा ये कहाँ? और इसी पर हमें इतना मिलती है कि फलानी जगह पे मर्डर होने वाला है, फिर हम वो जगह ही छोड़ देते। अच्छा क्या मतलब? अबे छुप के इनकाउंटर करना होता है ना। अच्छा। हर बात मुझसे पूछ रहा। हाँ। तू बताना कि तू पैदा कैसे हुआ है? मैं पैदा है? मैं ऐसे ही बाप की गलती से हो गया था सर जी। चलो फिर जाओ, जाकर मोबाइल में बैठो। मैं सिर्फ मालूम करना चाहता हूँ कि सेठ पाकिस्तानी ने अपना जलसा कैंसिल क्यों किया। ठीक है सर जी। जाओ। अच्छा सर जाओ। सर जी। हाँ जी। सर जी अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी। तो मैं इसके साथ अगली सीट पे बैठ जाऊँ। वजह? जब लड़की साथ होती है ना फिर पुलिस कुछ नहीं कहती है। मैं क्या बाथरूम के नल के ठीक करने आया हूँ? हाँ हमारे घर चाय पानी आई है। माशाल्लाह मुसलमानों के घर में पुलिस आई है। अरे बकवास ना करो, मैं निच मारा थे मच्छर मार दिया। अरे निच होती क्या है? अरे चीख मारा थे मच्छर मार दिया। ये तो जिंदा है। अरे बकवास ना करो, मैं निच मारा थे मच्छर मार दिया। चल के बाथरूम में मारे और बड़े मच्छर हो गए यार। अच्छा जी। ऐसे नहीं खड़े होते भैया, कोई हाथ डाल देगा। बाथरूम में मच्छर है? हाँ जी। और खुशकी पे सुंडी ऐसे ही घूम रही है। अपने घर का एड्रेस दो। क्यों? ताकि सारी खेत बर्बाद करके आए। आ जाओ हमारे खेतों में। हमारे खेतों में गन्ने की फसल होती है। ये तो सुंडी को शुगर करने वाली बात है। शुगर? तुम्हारे खेत में काय की फसल होती है? गन्ने की। गन्ने की फसल हो ही नहीं सकती। वजह? जमीन ही बंजर है। जमीन बंजर नहीं है, कोई शामी कबाब रख के बोल गया है। सर मेरे साथ कल मसला हो गया। क्या? कल मुझे मच्छर ने यहाँ काटा। हाँ जी। काटने के बाद दीवार में बैठ गया। हाँ जी। मैं लगा मारने, मुझे आ गया तरस। क्यों? मैं कहा दफा करो, इसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। औलाद औलाद जैसा लगा मुझे। फिर इसका मच्छर उड़कर मेरी तरफ आया। अच्छा। मैंने उसको जान से ही मार दिया। क्यों? हम बोला मार दे आराम की औलाद है। मैं उसका मामू लगता था क्या? अच्छा तेरा खून पिया था तुम बाप है? हाँ। हमारा पिया था, हम क्या चाहता हूँ? मेरे बच्चे को खून मुंह लग गया था, दफा करो। एक बात बताओ ना भाई जान, इस वर्दी में मैं आपको दीवार फिल्म का शशि कपूर नहीं लगता? दीवार फिल्म के शशि कपूर नहीं लगते हो? दीवार पे रखी हुई शीशी लगते हो। जो आदमी कहता है सुबह लेबोरेटरी लेके जानी है। लेबोरेटरी का ये तो घर पे ही बता देते हैं कि है कि नहीं। और भाई इनको छोड़ो, ये तो बेकार आदमी है। आप बताओ ना भाईजान। जी भाईजान। इस वर्दी में मैं आपको नाजायज फिल्म का अजय देवगन नहीं लगता? अजय देवगन तो नहीं, नाजायज लगते हो। अच्छा है? बकवास ना करो, बड़े सवाल कर रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। 7 साल के बाद बिल्ली क्या हो जाती है? ये कौन सी किताब का सवाल है? बता ना, 7 साल बाद बिल्ली क्या हो जाती है? आप बताओ। 8 साल की हो जाती है। ओ पिंक पैंथर पिकनिक पे। अरे पुलिस में तेरे को पढ़ना नहीं आता है? पढ़ा लिखा होता पुलिस में होता। समझ गया किधर की पुलिस है? दादू की। वहां के ऐसे ही होती है। बात सुनो, हमारे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। सवाल यह है 9 महीने बाद बिल्ली क्या हो जाती है? 10 महीने की नहीं, मां बन जाती है। इसको सवाल करके मारो। 2 परिंदे उड़ रहे हैं। कहां है? मुसलमान को दिखते हैं, हैं? 2 उड़ रहे हैं। हाँ जी। नर कौन सी, मादी कौन सी है? ओ भाई इतना ऊपर उड़ रहा है कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। आप बताओ। जो उड़ रहा है वो नर है, जो उड़ रही है वो मादी है। ओ सामरी के लड़के। हमारे भी एक सवाल का जवाब दो। मुझे काम याद आ। ओ भाई तुम्हारा परिंदा उड़ा, हमने कुछ बोला नहीं, हमारे भी उड़ने दो। शर्म करो, किसी की माँ बहन को देख रहा है। तो अपने घर वालों को बोलो गैलरी से अंदर जाएं।
वो देखो। उसको देख लिया है, दूसरी भेजो। ओ भाई वो देखो उसकी मूछे हैं। तुम हटो यार, आप देखो, वो देखो, पहले अपने बाप को तो हटाओ। ये तेरा खानदान देख के उतरेगा। इसको छोड़ो यार, आप ही देख लो, तीन परिंदे उड़ रहे हैं। क्यों? उनके पारे उड़ रहे हैं, थक जाएंगे, बैठाओ उनको कहीं। तीन परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें बताओ नर कौन है, मादी कौन है, ये कौन है? ये तो अंदर की बात है, है? ये तो अंदर की बात है, रूपा होगी इसके पास। रूपा के बनियान जानवर ही पहनते हैं। आप बताओ। मैं बता रहा हूं, जो ऊपर उड़ रहा है वो नर है, नीचे है वो मादी है, जो बीच में है वो ये है। अच्छा, जो बीच में है, अब पक्के रहो। बकवास ना करो, एक सवाल का जवाब दो। हाँ जी। दो सांप एक बिल में जा रहे हैं। हाँ जी। इसमें नागन कौन है, नाग कौन है? आप बताओ। जो आगे है नागन है, पीछे नाग है। नागन आगे क्यों है? उसने लिपस्टिक लगाई हुई, मैं समझ गया कि यही नागन है। ये नहीं है, फिर जो नाग होएगा ना वो तो बिल में सीधा जाएगा, जो नागन होगी वो ऐसे जाएंगी। देखा, नागन ऐसे जाएगी। बड़े सवालों के जवाब दे रहे, हमारे सवाल का जवाब दो तो माने। पूछो। बताओ कौन है, कौन है उड़ रहा है? तेरा बाप। उसका मुंह इतना है, पूछड़ी इतनी बड़ी है, पूछ इतनी बड़ी है, मुंह इतना है, बताओ कौन है? ना कर यार, मुंह मिल जाएंगे, मैं तेरे मुंह में वाला डाल लूंगा। मुंह इतना है, पूछ इतनी है, अपनी पूछ देख रहा है, उसकी देख रहा है। मुझे नीले रंग का कुछ नजर तो आया था। अच्छा, मैं समझा इसकी दुम खड़ी हो गई। भाई क्या हो गया भाई? ये क्या लपेट के यहां लिया? मुंह इतना है, पूछ इतनी बड़ी है, मगरमच्छ। वो क्या हो गया भाई, मगरमच्छ कभी उड़ता है क्या? वो शिकारपुर से आया, उड़ा सकता है, मगरमच्छ ही है। हाथी है बस, वो पतंग उड़ रही है, उसमें फोटू है हाथी की। उसने किसी बहाने हाथी उड़ा ही दिया। सेठ साहब को बुलाओ। वो उस वक्त नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मैं मालूम करना चाहता हूँ कि सेठ साहब ने जलसा कैंसिल क्यों किया। जलसा कैंसिल क्योंकि हमें क्या पता? उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाओ। खुद ही बुलाओ। ओए पर्सनले, अपने बच्चे को आवाज करो शिद। ओए पर्सनले, मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। जब पता नहीं था तो घर से निकली क्यों थी? मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। पता था मेरे को भी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। ज्यादा सियानी ना बनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां दुल्हन की पार्टनर होती हैं। आप चुप रहिए। अच्छा भाई, आपने पूछना है तो उनके माँ बाप से पूछिए कि 12 बच्चे पैदा करने की इतनी जल्दी क्या थी? किसके 12 बच्चे? बेगम साहबा की बहन के। बेगम साहबा रो रही है कि मेरे 2 है तो मेरी बहन के 12 क्यों? उसमें रोने की क्या बात है? हाँ, ये तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ, हमारे बाप के तो 150 है। गाय भैंसों के सबके बच्चे मिला के 150, और 12 है ना, उसमें से 2 अच्छे निकल आएंगे। हमारा बाप खुद कहता है भैंस के बच्चे सब मेरे बच्चे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे। हाँ हाँ, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कह रहा था 12 में से 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे ना, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ना करो ना, फिर कानून टूट जाता है। तो कानून को चाहिए कि सरिया लगवा ले। सरिया भी नहीं मिले तो फिर एक काम करो, फिलकन सीमेंट, चील के निशान वाली, उससे भी बुनियाद मजबूत नहीं होवे। हाँ जी, ठट्ठे जाओ। हाँ, गोबर का गारा। बकवास ना करो। एक्सक्यूज मी, हाय, जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। ये नहीं है, ये बंदर ससुराल जा रहा है। और रीच सलाम कर रहा है, और कुत्ता मुस्कुरा रहा है, और लोमड़ी एंजॉय कर रही है। क्या सर्कस का माहौल बनाया तूने मनुष? हाजी बस, हाथ न
गई है ना। इसके तार नंगे हैं। ओ यार इसको मना करो, हाथ ना लगाए। तेरे को हाथ नहीं लगावे, तेरा सौदा हो गया। सुनिए खातून जी, एक बात बताइए ना। पूछिए। इस वर्दी में मैं आपको शोले फिल्म का ठाकुर नहीं लगता ना? फिर मुझे आप ठोकर लगते है जी? जब जी से आया यही पूछ रहा है, इस वर्दी में मैं ये लगता हूँ। इधर आओ। हाँ जी। इस वर्दी में हाँ जी हम तुम्हारा बाप नहीं लगता है? इस वर्दी में मैं बहनों ही नहीं लगता? हाँ। है? ऐसे ही माशर तिलम का सवाल है। बकवास ना करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि सेठ साहब ने जलसा कैंसिल क्यों किया? किस कमीने ने कहा? मैंने फोन किया ना कर। सेठ साहब तो जलसे की तैयारी कर करके मर गए। मर गए? हाय या अल्लाह, ये थान किसने खोला है? यानी कि सेठ साहब मर चुके हैं? अरे मरे नहीं है ओए अंधी चुई। फिर वो नहीं आदमी मिसाल देता, हम तो सुबह से तैयारी कर करके मर गए। मैं मिल के जाऊंगा। आप इस वक्त नहीं मिल सकते। बजा। वो इस वक्त मौत की नींद सो रहे। मौत की नींद? ये जिधर रुकेंगे इनाम हमको मिलेगा। माशाल्लाह। ओए कमजोर पुलिस वाले, तेरी कमजोरी समझ में आ गई है। थाने में जितने भी मंशियात पकड़ी जाते हैं ना, सब इस पे ट्राई होती होगी। यानी कि सेठ साहब मर चुके हैं। बाहर जाके खेल। ओ मरा सोया एक जैसा होता आदमी। आपको नौकरी करनी है या मैं आपका तबादला करवाऊं? क्या हो गया? तुम तो हमारी छोटी बहन हो, क्या हो गया भाई? बहन है? हाँ ना करो, ना करो, ना करो। हाँ, बहन है तो रिश्ता देखो। कौन सा रिश्ता है? एक लड़का मेरी नजर में, बताओ। गले में रुमाल बांधता है, काले रंग की बनियान पहनता है, 1500 तनख्वाह है, ऊपर की आमदनी 3 करोड़ जी। ये लड़का पहले ही शादीशुदा है। तेरे घर में बारात आई थी। दूसरा रिश्ता भी है। हाँ जी। सलवार कमीज पहनता है, सिंधी टोपी भी आई, बस थोड़ा खुला है। जुम्मे के जुम्मे मस्जिद जाता है, नमाजी देख के वापिस आ जाता है। जुम्मे की नमाज मंगल को पढ़ता है। क्यों? जुम्मे को रश बहुत होता है। स्मार्ट आदमी है, मुस्कुरात भी ऐसी है। मैंने किसी लड़के से शादी करनी, किसी गैंडे से नहीं। माफ करना भाईजान, हम हिंदुओं में बहन देते ही नहीं है। चल झूठे अम्मी के कैसे हो गई? ओए बकवास ना करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेठ साहब जलसे पर आ रहे हैं? हाँ जी। वेरी गुड। लेकिन एक बात है, मुझे तुम तीनों की बातों में जबरदस्त किस्म का तसादुम लगा है। ओके मुकद्दम। अगर मुझे कातिल मिल गया हाँ। मैं छील के रख दियांगा। ओए कातिल मिल गया तो मैं छील के रखूंगा। कातिल मिलेगा किनू मिलेगा? तू अंदर चल, साहब को लाश के कपड़े बना। अंदर आओ। आ रहा हूं। क्या हाल है? सेट। किससे? शादी हो गई? नहीं। इस सुस्ती की वजह शादी नहीं हुई? नहीं। तो कब करोगे, जब दाढ़ी मुझे निकल आएंगी? ज्यादा मैं फ्री नहीं होना। मेरे में ग्रीस लगे, मैं फ्री नहीं होना। मैं भी शादी करूंगी किसी हसीन से, किसी स्मार्ट से, क्योंकि मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ। अमृतसर से खबरें खत्म हुई। हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ। वो तुम लोग कितनी भी हसीन हो, लड़कियों कितनी भी खूबसूरत हो, अल्लाह माफी, 4 बच्चे हो अदरक हो जाती है। शुरू शुरू के चोचले होते हैं तुम्हारे। यू नो मैं स्लिमिंग सेंटर जाती हूँ, जूस पी के गुजारा करती हूँ। 4 बच्चे हो आवाज बदल जाती है। आ गए गफूर के अम्मा। अल्लाह माफी, मुंह धो के बिल बतौड़े की अम्मी निकलेगी। हूँ अभी हुई ना बारिश अगस्त के महीने में, बगैर हुट के सुजुकी से औरतों को उतर उतर के भागते हुए देखा मैंने। क्यों? मतलब पानी के छींटे पड़े, मुंह धुला, मियां की चीख निकली, बच्चे सहम के बाप की गोदों में। अल्लाह माफी, पतंगे उड़ आए, चितकबरी बन के घूम रही औरतें, जगह जगह से मेकअप फट रहा। अल्लाह माफी, मर्द होता है कुदरती हुसन। 5 रुपए की ब्लेड ली, पड़म पड़म पड़म, बारिश में और खूबसूरत लगा। बाल गीले होते हैं, बाल झड़क रहा डाला, बाल गीले होते हैं। और अगर कोई आदमी गंजा बारिश में निकल जाए तो तौलिया लेके निकले, पोछा सिस्टम,
सहन साफ करे, काम पे निकले जा भाई। तुम्हारे लिए तो मैं भाभी ढूंढ के रहूंगी। चले भाभी ढूंढ के। अरे आस्ते आस्ते आओ, मरा हुआ है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि डर क्यों रहा है, ये पोत हो गया है। पोत नहीं हुआ है, मरा है। तो मरा हुआ और पोत हुआ में क्या फर्क है? पोत होता है फिर से होता है, मरा हुआ मीम से होता है। अरे यार मैं सुबह से समझ रहा हूँ डेथ हो गई है। ये तो मरा हुआ, लेकिन तुम तो जिंदा है, मेरे को तुम्हारे से डर लगता है। क्यों? अभी जलसे में जा रहे हैं, इसका कोई जानने वाला मिल गया बोलेगा सेठ उबैद सलाम अलैकुम, तुम फौरन बोलेगा भाई सलाम क्यों करते हो, ये तो मरा हुआ है। हाँ तो सही बात है, हमारा माँ ने बोला हमेशा सच बोलो। मेरे को डर लगता है खान। क्यों भाई जान? उधर जलसे में गोली तेरे को या मेरे को बज गई थे फिर? ऐसा बातें नहीं करो यार, ईमान से अभी तो मेरा शादा भी नहीं हुआ। तुम्हारा शादा नहीं हुआ था, अभी हमारा मंगना नहीं हुआ है। तुम्हारा शादा नहीं हुआ, तुम्हारा मंगना नहीं हुआ, मेरा कई जगह पे बाता चला, उधर से लाता पड़ा। हम बोला तलाका तलाका तलाका, सामने वाले पार्टी ने बोला हक मेरा हक मेरा हक मेरा। मैं कहा नहीं, विनोद मेरा विनोद मेरा विनोद मेरा। शेरे भाई उधर जा रहे हैं जलसे में, तो अगर सेठ साहब का कोई जानने वाला मिल जावे नहीं, बोले बाबा सेठ साहब को क्या हुआ है, बोलो बाबा इनको गर्दन तोड़ बुखार चढ़ा है, ता इनकी जबान बंद हो गई है। समझ गया क्या है? जुबान तोड़ गर्दन चढ़ी है, बुखार बंद हो गया। वाह नहीं भाईजान, इसका गर्दन पे चढ़ गया कौन? चींटी। जाहिल आदमियों, सीधी सी बात करनी है कि जबान तोड़ बुखार चढ़ा है तो गर्दन बंद हो गई है। सुभान अल्लाह, जाहिलों की ट्रेल हो गई। हमारा बुखार भी बुला दिया। सीधा बोलो, बोलो बाबा जबान तोड़े नहीं, इनको गर्दन तोड़ बुखार चढ़ा है तो जबान बंद हो गई है। ठीक है, बात नहीं कर सकते, कोई इशारा करेगा हम हाथ हिला देंगे। तुमने गर्दन हिलानी है। ठीक है, गर्दन हिलानी है। चलो मेरे ख्याल में कोई आ गया। आना दो। अरे सड़क मरम्मत करने वाली मशीन अंदर भी आ गई। बाबा सेठ उबैद क्या हाल है? हाल पूछ रहे? एक मिनट पूछो क्या हाल है। गर्दन हिलाओ। अरे गर्दन हिलाओ। मनु उसके बच्चे के टांगे हिला रहा हूं। अरे इधर। अच्छा इससे कौन पूछा यार? माफी चाहता हूँ। हाँ 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 आप पूछो। अच्छा सेठ उबैद क्या हाल है? क्या हो गया खैरियत? फंसाने वाले काम नहीं करो। जबान तोड़ बुखार चढ़ा है, गर्दन तोड़ बुखार चढ़ा है तो जबान बंद हो गई है, हाल ठीक नहीं है। दिमाग तो काम कर रहा है ना? दिमाग भी बस थोड़ा बहुत काम कर लेता है। क्यों? बराबर में खान भाई है नहीं? और बच्चे कैसे हैं? भाई ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ठीक हैं, कुछ ठीक नहीं है। और भाभी? भाभी बिल्कुल ठीक है। चलो हमें इससे क्या, पैसे लिए थे मैंने इनसे, देने के लिए आया हूँ। इनसे पैसे लिए देने आए? हाँ। सेठ साहब पैसे लिए थे क्या? अबे लिए थे भाई। अरे हाँ करो, हमारा हिस्सा आएगा। आएगा देंगा। पहुंचो है? पहुंचो 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 पूछो रेड एंड व्हाइट के डब्बी। हाँ भाई पैसे लिए थे ना आपसे? हाँ वो देने के लिए। ये उनके हाथ में दूंगा मैं तो। उनके हाथ में देगा तो उनके निकाह में है? उनके किन के? उनके हाथ में देगा। हाँ। ये क्या? ये उनका हाथ है। ये कैसा हाथ है? तुम क्या कर रहे हो यार, क्या हो गया? अरे पैसे देने तो दे, रंधा क्यों लगा रहा है?
ये क्या? ये पैसों ने चोरंगी घूमी है। बैंक पहुंच गया। 5 लाख रुपए में 3 रुपए कम है। वही वही 5 लाख में 3 रुपए कम क्यों है भाई? अबे 3 रुपए बस के किराया का नहीं निकाले। हाँ। तेरे नन्हे लाफ्टर दोस्त है मेरा ये। अच्छा दोस्त है आपके? दोस्त मेरे, इनका ना मेरे घर आने जाना है। इनके घर जाते हो? भाई जाता है जब मैं होता हूँ ना, जब आते ही ये। जब ये होता है तो नहीं जाते? अबे जब मैं नहीं होता हूँ जब जाता है तू? जब ये नहीं होते तो जाते हो? अबे वो हफ्ते की रात तो तू आया था। अबे बिरयानी तूने खाई थी? तो बेगम तो कह रही थी मेरे लिए पकाइए। घर का किचन चेक करो, देगड़ा तुम्हारा है बिरयानी कोई और खा रहा है? अच्छा अच्छा वो ब्लैक कलर की साड़ी भी तूने दिलाई होगी है? वो तो कह रही थी बीसी डाल के बनाई है। ओ, ओ, बात वहां तक पहुंच गई तो ये कह रहे हैं कि ये बात बहुत दूर तक पहुंची है। तो ठीक है मैं भी जाके उसको अभी अभी तलाक देता हूँ। तलाक दे दूं भाईजान? मैं ही ला रहा हूँ क्या? समझा मेरे मुंह से निकल जाएगा भाई। हाँ भाई इसके मुंह से निकल जाता है, कलने वाला निकल गया था। ठीक है मैं जा रहा हूँ तलाक देने अभी। और शादी तू करेगा क्या? ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। अब क्या बचा है? बच्चे को मारना। कौन से वाले को? जिससे शक्ल नहीं मिलती। बहुत अच्छे। अबे मेरी तो तीनों से नहीं मिलती। जान से मार दे तीनों को। चलो भाई ठहर जाओ ठहर जाओ। वो आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके लिए जमीन गर्म रहती है। वाह जल्दी आ जाओ डोंकी पंप। भाई मेरे लाल ने 2 दिन से दूध नहीं पिया, तभी सफेदा हो गए। आज तो अपने हाथ से पिलाऊंगा इसको। अरे दादा तुम्हारे हाथ में दम नहीं है। अले हट। सही कह रहा है दादाजी। दादाजी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके बच्चे बड़े आदमी हैं माशाल्लाह से। बॉडीगार्ड जहर चेक करेंगे, जहर तो नहीं है? चेक कर ले जहर। बॉडीगार्ड है हम लोग, जलसे में जा रहा जहर में हुआ तो फिर आदमी का दोबारा मरेगा। जानवर का दूध है, गाय का है। पहले चेक किया बॉडीगार्ड ने, अब चेक करेगा सेफगार्ड। साहब को पिलाओ। साहब को कैसे पिलाओ? साहब पियो, साहब पियो पियो। निगार भी लेते हैं। अरे दादा तुम्हारी सगी औलाद ने दूध पी लिया। जलील आदमी इल्जाम लगा रहा है। ला दे दे। वापसी में चुंगी चेकिंग होती है, चेक करना पड़ता है चीनी ने। हाँ भाई ये मीठा कैसा है? आखिरी में तो चीनी चीनी है। मीठा बहुत तेज है, गाय को शुगर होगी। बेटा मीठा कैसा था? अरे दादा ये तुम्हारा ही बेटा है। ये गर्दन नहीं लाता तुम पूरे। मैं दादा को छोड़ के आता हूँ। हाँ जाओ छोड़ो। दादा है मेरी महबूबा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दादा ने महबूबा रखी हो? राम राम सत्य है। तुम्हारे घर से मैयत आ रही है? मुसलमान है। अच्छा अच्छा वाह सेठ साहब सही से चलो, तेरे को भी चलने का तमीज नहीं है। खान साहब वो मरा हुआ है। अच्छा अच्छा सॉरी। अल्लाह रे क्या हुआ भैया? अरे शेरे धक्का आया है, जाना है। तुमको ये धक्का दिया किसी ने? ये धक्का कोई नहीं देता, इस धक्के को धक्का देना पड़ता है।
दफा करो, चलते हैं बाहर, दीवार पे लिखा हुआ है क्या? यही आ जाओ, चप्पा चप्पा चरखा चले। चरखा चल ही नहीं सकता है। क्यों? पैर तो बंधे हुए। कोरस 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 तुनक 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 तुन सारा। अरे तुम क्या बदमाश है क्या? ये क्या, ये लाश क्या बदमाश है? नहीं, क्यों अकड़ रही है? वाह भाईजान, लाश अकड़ता है, मेरे को लगता है तुम भी पिशावर का सिंधी है। अब मजा आएगा, अब मेरे डैडी की लाश को रवाना कर दिया है और वहां पर मेरे कारिंदे उन पर शूट कर देंगे, इस तरह मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा। हेलो हेलो, मैं शाका बोल रहा हूँ बोस। शाका बोलो। वो हाँ बोस, तमाम इंतजाम हो गए। अच्छा सुनो, हाँ मैंने डैडी को रवाना कर दिया है। ठीक है, और बात सुनो। हाँ बिल्कुल एहतियात से काम होना चाहिए। हाँ आप बेफिक्र हैं बोस, हमारे आदमी चारों तरफ से मौजूद हैं। अच्छा, और स्टेज का सही निशाना लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही सेट उबे तकरीर करने के लिए स्टेज पर खड़े होंगे, हाँ बस मौत उनके करीब होगी। देखो बात सुनो, हाँ कोई गलत काम भी होना चाहिए। हाँ बेफिक्र हैं बोस, सारा काम प्लानिंग से हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो इंस्पेक्टर मुरली के बहुत सारे आदमी यहाँ मौजूद हैं। ओहो, तुम बेफिक्र रहो, उसको मैं संभाल लूंगा। ठीक है ठीक है, ओके बोस, आप बेफिक्र रहें। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना
मेरी यूं चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है, बस अगर तू हवाले कर दे इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। और तू अगर तूने मुखालफत उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे पिता दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। होगा बिल्कुल वही जो मेरी चाहत है, क्योंकि यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। एक तो मैं इस नई सेक्रेटरी से तंग आ गई हूं, अभी भी पता नहीं कहां होगी। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ओ मैडम क्या हुआ, कौन सी तकरीर सुनाऊं? तकरीर को छोड़ो, मुझे तैयारी करवाओ। ओ मैडम इससे ज्यादा क्या तैयारी करेंगी, ईद पर सजाओ खानदान रक्षा तो लग रही है आप। बको मत, अपने आप को देखा है पुरानी फॉक्सी? छोड़ इन बातों को, मुझे तैयारी करवाओ। तो चले ब्यूटी पार्लर चलते हैं। ब्यूटी पार्लर क्यों? मुझे बेवा बनने दुल्हन नहीं। ओहो मैडम एक ही बात है, आप जैसी औरत को जिंदगी में दो बार खुशी मिलती है, पहले दुल्हन बनने की, बाद में बेवा बनने की। वैसे एक बात है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उबैद से तंग आ गई थी, आई हिट हिम। लेकिन मैडम आपने तो लव मैरिज की थी ना, वो तो मैं उबैद का दिल रखने के लिए कहती थी, वरना वो नामुराद तो मुझे एक आंख भी नहीं भाता था। वाह बेगमा, अभी तो मेरा कफन भी मेला नहीं हुआ और तुमने नजरें बदल ली। मैडम ये आवाज कहां से आई? लगता है हमारे घर में उबैद की रूह आ गई है। आ नहीं गई है, इस घर में छा गई है। लो अब ये छापा बढ़वाएंगे। बेवफा औरत, जिंदगी में तुम कहा करती थी मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। वो तो मैं मजाक करती थी। मजाक? मजाक क्या करती थी? क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी था? मैडम मुझे लगता है साहब जी ना जिन भूतों के हाथ आ गए। नहीं नहीं मुझे लगता है वो वैद की रूह भटक गई है। मैडम आप ऐसा करें, आप यही रुके, मैं अंदर जाती हूँ। मैं भी अंदर ही जाती। तनख्वाह खा के मर गया है, की करिए की करिए। हम रो रहे, तू नहा रहा है। ओ साडी तनख्वाह खा के मर गया है, की करिए। मुसरत शाहीन के बेटे आराम से। वो मेरा नसवार का डब्बी खो गया है, की करिए। इसके ठुमके फंसा दो। ठीक, की करिए, की करिए, की करिए, की 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 की, खत्म हो गई। ओ क्या कर रहे हो तुम लोग, ये की करिए तक की करिए तक की। ये दादा को क्या हो गया? ये बुढ़े का हेड पनी चबा रहा है। दादा जान हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। क्या हुआ? क्या आपके बेटे को जलसे में गोली लग गई, वो मर गए। चलो अच्छा ही। वो क्या कह रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? तुम्हारा बेटा क्या स्टील मिल का बना हुआ?
आपका बेटा नहीं मर सकता, वो क्या स्ट्रे ऑर्डर लेके पैदा हुआ था। क्यों नहीं मर सकता, तुम्हारा बेटा नसवार लगाता था। वो बताना नहीं, तुम वाकई खान हो। नहीं मर, अरे घर वालों बाहर आके रो लो, रोने वाले को मिलेगा मेरा भाई। बेगम साहबा बाहर आ जाओ, तुम बेवा हो गए, चूड़िया तोड़ो हे जमालो। वो चील का बच्चा सही आया। अरे ये तो गाओ हमारी कोम का गाना। गाओ। क्या हुआ? बीबी जी आपके अब्बू मर गए, गले मिलके रोते। क्या? बच्ची सियाणी है। चलो वो तो सियाणी है, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे गले लग के रो लो। आप इधर आ जाओ। अच्छा जाओ, इंशाल्लाह फिर चुप ही नहीं होगे। तू मेरे गले लग के रोले? अरे क्यों मेरे गले लग के रोले? तुम तो 24 घंटे हिलते रहते हो, गले मिलूंगा मेरा तो खाना हजम हो जाएगा। बेगम लावा बेवा हो गया, चूड़िया तोड़ लेना कोई उमंग। तू खबरनामे में भी नाच लेगा मनुष्य। हाँ। सही तरीके से बताओ, मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे। तरह तरह के तो नहीं आ रहे, उस तरह के आ रहे जिस तरह के भी ख्याल आ रहे। नहीं मेरा ख्याल रखना है। आप बेड़ा हो गया, बेड़ा हो गया, बेगर जा रहा, आपको तो चूड़िया तोड़नी पड़ेगी ना जिंदगी में। तो सभी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में, ऐ वतन पाक वतन। वतन को तो छोड़ दे मनुष्य, वतन भी बदन हिला रहा है। हाय मेरा बेटा रे, मेरा बच्चा रे। हेलो, अगले का बच्चा मर गया वो फिर भी एंजॉय कर रहा है। साथ में गाओ क्या? जिंगा लाला हुल हुल। हाय 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 अम्मा, चूड़िया तोड़ दो, तुम यतीम और मैं बेवा हो गया। लो उसने रिश्ते की दही कर दी। मर गए। मैं अपना शौहर किसे कहूंगी? मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाय अल्लाह, अब मैं डैडी किसे कहूंगी? ये है ना, चला सारी जिम्मेदारी मैं ही लूं। हाय अल्लाह, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? हाँ मैं ना। जब आंख खोलोगे इसे खड़ा पाओगे परदेसी। बेगम जाबा तेरा हो गए, तुम क्यों रो रही हो पगली? ये तो वक्त है शहनाई का। उसने शहनाई बजाई कहां से? अल्लाह माफी, ये तो कलेजा हिला के रख दिया। बाबा बता दिया करो, मैं रोने लगा हूं, हम साइड पे हो जाएंगे। अरे मेरा बच्चा लाओ, मेरा बच्चा लाओ, मेरा बच्चा। अरे चुप हो जाओ, मारू थी क्या है तुम्हारा बेटा? क्या वो सब्जी मंडी में मरा है? शुरू हो गया, प्याज ले लो, आलू ले लो, चाचा कुंजड़ा। तुम तो जनाजे को कंधा देने ही नहीं। क्यों? जनाजा कहीं होगा, कंधा कहीं होगा, तुम्हारी मस्तियां खत्म नहीं हो रही है। पठान भाई अंदर से रोया भाई। कौन है? कोई नहीं, हम पश्तो में रोया। तुम पश्तो है, कोई और है? नहीं कोई नहीं, हम तो साफ को रो रहा है। कितना अच्छा था मेरा साहब, मेरे को बोलता था खान साथ जिएंगे साथ मरेंगे। वो तो अच्छा हो गया, मैं पिशावर चला गया। तुम सियाने निकले। बेगम जावा चूड़िया तोड़ो सावन। तेरी वजह से मैं टेप तोड़ दूंगा घर के। अरे आए दमर दम मिट जाए दम, बोलो सुबह हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कष्ट तो लगा ले कहीं से। अरे मुझे ये तो बताओ कि वो कैसे मर गए? कह रहे थे ऐसे मर के देखते हैं कैसा लगता है। हाँ हाँ याद आया। हा? कह रहे थे तरबूज खाऊंगा, तरबूज खाऊंगा। इतना बड़ा तरबूज ले आया मैं। तरबूज थोड़ा छोटा करो।
ये तरबूज है शीतर मुरग है बारह सिंगा है ये तो अंगूर है इसमें आप हवा भर के थोड़ा सा बड़ा करो मैं यहाँ मजदूरी करने आया हूँ कहानी सुनाने आया हूँ तो तरबूज इतना किधर होता है तरबूज लेके आए तरबूज लेके घर पे आए सबर करो कटेगा मिलेगा अभी लाया ही नहीं हूं मेरा हिस्सा तरबूज लेके आए यार इसे लॉलीपॉप तो दिलाओ जाके तरबूज लेके आए चुप हो जाओ वो तरबूज ला रहे तुम वही अपना सरदा बीच में ला रहे तरबूज लेके आए हाँ अब तो नहीं रो रहा ओ नौनिहाल बुढ़े ग्राइप वाटर पीने वाले अरे चुप हो जा तेरे को कोई आंसू घस मारता है क्या तरबूज लेके आए तरबूज बिछाई है? चादर काटी क्या बकवास है मुझे तो कहानी बुला दी इस आदमी ने तरबूज लेके आए तरबूज काटा तरबूज क्या ले काटने के बाद तरबूज से खाया खाना खाने के बाद फिर तरबूज खाया तरबूज खाने के बाद फिर पानी पिया इतना काम उन्होंने किया बाकी अल्लाह ने कर दिया ओए हाय तेरी एंजॉयमेंट है बाबा सीधा हो जा तू क्या डूब रहा है डूब नहीं रहा पतंग लूट रहा है पतंग आराम से खड़ा हुआ करो दादा हर जगह बेइज्जती करवाता है हमारा टिक के कहा जाओ ऐसे करो गेर बदलो चौथा लगाओ अरे खान तुम भी अजीम आदमी है उसकी उम्र देखो चौथा गेर लगाओ उसको सीधा सीधा बोलो अरे बाबा हाँ तुम रिवर्स ही ठीक है ये लो तुम्हें नया काम बताता हूं तुम्हें किसी क्लब में लगवा दूंगा 200 रुपए रोज मिलेंगे बेगम साहबा अरे हाँ उसको जरा आवाज ही दे दे सबर कर जाओ वो चरस पी रही आती होगी लाश को आवाज दे दे तुमने मीठा पान मंगाना है लाश को आवाज दे दो आ जाएगी शेरा मजाक मत करो उनकी लाश जल्दी लेकर आओ अब तो वो मर गए उनका तो मरते ही दम निकल गया बिल्कुल मर गए इतनी सी भी जान नहीं है ना, उसने चेक भी कर लिया एक काम करें उन इंस्पेक्टर मुरली आया हुआ कह रहा है इंस्पेक्टर कह रहा है मैं तफ्तीश करूंगा फिर लाश हवाले करूंगा बुला लूं हाँ, बुला लूं। बुला भाई तो तशरीफ लाते हुए इंस्पेक्टर मुरली आ जाइए इंस्पेक्टर मुरली साहेब मैं लाश लेके आ गया बे माया मुर्दा ले जा जरा मुख मुका करके मुर्दा ले जा जरा मुख मुका करके हमारे साहब घर पे मरे हैं कोठे पे नहीं तुम्हें अम्मी ने तैयार करके स्कूल भेजा जुबैदा तुम यहाँ आ गई जाओ मिरासी और आटा बांट दिया मैंने ओ भाई हम मिरासी नहीं है ए? वो 86 है ये 87 है मैं 88 हूँ इलाज करा लिया हाँ जी ओ तो सजाने के मीच ले अजुबे तो सजाने के मीच ले अजुबे सानू कर दिता है वको वक वेके साडे वल तक से था वे उठ के दे से था बहुत अच्छा गाना गाया तुमने रुकैया मासी मैं क्या बीसी के पैसे लेने आया हूँ तुम्हारी जैसी औरतें बीसी के पैसे खा के भाग जाते हैं तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है सर की महफिल से जमा बोल रही है सर जी हाँ जी इसकी हरकतें आपकी माँ से नहीं मिलती है बदतमीज तुमने इनकी खाला को तो देखा ही नहीं बात सुनो भाई लाश जो है वो अस्पताल पहुंच गई है खुद ही हाँ खुद ही जब तक उसका पोस्ट का मार्टम नहीं हो जाता पोस्ट मार्टम ओ यार मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तेरी अंग्रेजी खत्म नहीं होती जब तक उसका पोस्ट का मार्टम नहीं हो जाएगा लाश तुआनू नहीं मिलेगी हाँ जी पहले मुझे ये बताओ ये तो नहीं बताऊंगा वो पूछो वो भी नहीं बताना तुम्हारे घर की बदनामी होगी छोटी ये पूछो क्यों उसमें इसका घर आता है किसी का भी घर आया हमें तो घुसने से मतलब यार
बहरहाल पूछ रहा हूं, ये बताओ भाई कि सेठ साहब ने जलसे में जाने से पहले किस किस से बात की थी और किस किस किस्म की थी? सेठ साहब ने मेरे से बात की थी। हाँ जी। मैंने उससे बात की। हाँ जी। मैं उसको लाया। हाँ जी। सेठ साहब ने मना किया। हाँ जी। वापिस भेज दिया। किसको? जिसकी बात की थी। हाँ तो सेठ साहब तुम्हारा बात कैसे सुनता? सेठ होश में होता तो तुम्हारा बात सुनता। वेरी गुड, यानी कि सेठ साहब को बेहोश करके मारा गया। ए बैंकॉक की बत्तख, जलसे का सुनते उनके होश उड़ गए थे। केस हाथ से निकल गया। कौन सा पहली दफा निकला है? सर जी, हाँ जी, ये एक अगरबत्ती क्यों जलाई है? ओ पागल, मैयत की पहली सालगिरह है। दूसरा बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ भाईजान कि सेठ साहब ने जलसे में जाने से पहले कौन कौन सी हलाल अशिया खाई थी? साइड पे हो जाओ, बाबा पे, बाबा आते हैं बाबा पे, धमाल वाले बाबा। अरे मेरा बच्चा, ओ भाई, जो चीज तकलीफ देती है निकलवाता क्यों नहीं है? उसका मुंह तकलीफ देता, वो क्या सरकटा बन के घूमे? अरे दूध पिया था। दूध घर का था या बाहर का? मेरा मतलब है कि दूध किसने दिया था? बताना नहीं। नहीं, भैंस ने। किसको? एक आदमी को। फिर उसने वापस कर दिया है? फिर भैंस ने फिर इसको दे दिया। अच्छा, इसने अपने हाथों से पिलाया। बहरहाल तफ्तीश तो मैं कराऊंगा और बड़ी सख्त करके। सख्त करके? हाँ जी, उठे बैगे कर लो, राम नाल हो जाएगा। जिस इसको रोना है रो लो। आए, मेरे सिवा कौन रोएगा? मुझे ही रोना पड़ेगा। इजाजत है? मुशायरे में आयो। जिंदगी में तो सब प्यार किया। वाह खान साहब, क्या जगह लगाई है। गाय की जगह लगाई है, मैं रो रहा हूं। अच्छा, मैं समझो गा रहे हो। अल्लाह करीब बुला लू, आसानी हो जाएगी। अरे उस मासूम को क्यों उठा लिया? अरे मुझे क्यों नहीं उठा लिया? ओ भाई, हाँ वो तुमको भी उठा लेते, फिर बस उनके हाथ में तुम्हारे बाल नहीं आ रहे। ये बात नहीं है, वो उठाने के लिए आते हैं, ये नीचे से मना कर देता हूँ। वो कई दफा आए उठाने के लिए, उन्होंने तो हाथ भी डाल दिया था। फिर वो हाथ डालते ही दौज दे जाता है। कैसे? वो हाथ डालते ही शुरू है। इसके चक्कर में दो तीन गलत आदमी उठा गए। कितनी दफा कहा है यहाँ वाइपर लगवा लो, बरसात आ रही है। वही बात सुनो, इसको 21 दिन गर्म जगह पे रखो, फिर इसमें से चूजा निकलेगा। चूजा निकलेगा? नहीं, फिर चूजा निकल के सामने खड़ा हो गया। पागल, गौर से देखो, तुर्की एयरलाइन की रोस्टिस। क्या हो गया भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बच्चा लाओ। ओए, जान बाकी है, छुरी फेर लो। स्कूल तो तुम जाओगे? स्कूल तो जाओगे, छुट्टी तो नहीं करेंगे। रोज यही होता है, सुबह उठ के अरे धारा। पुराने क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद की औलाद आ गई है। सर जी, मुबारक हो, केस आया है। ओए, हाँ जी, मैं इस पर चलू, कोई दाई का बच्चा नहीं हूँ। अच्छा। चल भाई, आगे चल, वरना अभी छील के रख दूंगा। छील दे, स्मार्ट ही हो जाऊंगा। चलो छील, स्मार्ट हो जाएगा। टाई कहाँ रखोगे फिर? टाई, टाई का सौदा चल रहा है, टैक्सी खरीदूंगा ना। वही तेरे नन्हे लाफ्टर। टाई ने बच्चा दिया? अभी ये कब? पता ही नहीं लगा, डिलीवरियां हो रही। सुबह से रो रहा है, मामू के पास जाऊंगा, मामू के पास जाऊंगा। जा मामू के पास। छोटा मामू माने लगा, बड़े के पास जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? सेठ उबैद मर गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। अरे तुमको रोना है तो तुम रो, उस मासूम का क्या कसूर है? सेठ
सही कह रहा है, पेट की खातिर सब कुछ करते हो, उसको ही तकलीफ। जाओ एक कप चाय लेके आओ, यहाँ रख के पियेंगे हम। तुम्हें मजाक सुन रहा है, मैं तबाह हो गया, रंडवा हो गया, बर्बाद हो गया। तबाह हो गया, तेरे 5 रुपए गिर गए। क्यों रो रहा है सेठ साहब? को रो रहा है उस कम्बक को? कौन रो रहा है यार? फिर मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, अभी अभी अपनी बीवी को तलाक देकर आया हूँ। भाई अल्लाह कितनी अच्छी खबर सुनाई। अब क्या करूं? हलाला क्या हो गया? मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तू बड़ा कमीना, वापस नहीं करेगा। पहले कितने रखवा के गया मेरे पास? तू बता मोटे मैं क्या करूं? मोटा हम मोटा है, तुम तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। इतना पेट भार है, बारिश होती है ऊपर से पांव ही गीले नहीं होते। अल्लाह ने ढाली इतना दी है। माशाल्लाह अपने आप को देखा है? क्यों फालसे का ड्रामा? तेरे से तो कोई गुद्दी पकड़ चांटा भी नहीं खेल सकता मनुष्य। बुद्धि है ही नहीं, बगैर गर्दन के आदमी घूम रहा है। शादी करेगा? शादी हाँ करा दे यार, दूसरी शादी कर लो। कितने पैसे लेगा? फ्री में। फ्री? आओ दो कराना। हाँ दो कराएगा, एक शादी कराएगा, दूसरा रिक्शा कराएगा। रिक्शा नहीं, टैक्सी। टैक्सी? टैक्सी। हाँ माशाल्लाह, शादी करनी है, धंधा करना है? क्या होगा? शादी करो, खूबसूरत औरत है, है? करेगा? ओ मासी फाता कर ले, सुबह तक सोचते रहना कि घूंघट कौन उठाएगा। शादी करोगी खाला? चला जाओ बाथरूम की चप्पल चाटने वाले। क्या ये तो वही बात हुई कि तुम्हें ही मुंह मारा ना फिर इसने। चला भाई, चलो भाई, जिस रो नहीं रो क्या करेगा जा? वो पठान है भाई, छोड़ो। हमने कुछ नहीं किया। हाय अल्लाह, अब मैं उनकी यादें अपने दिल में कैसे बुलाऊंगी? डैडी आप क्यों चले गए? वो गोली मुझे क्यों नहीं लग गई? खामोश, झूठ बोलते हो तुम लोग, मुनाफिक हो सब। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? दूसरों की जिंदगी में कांटे बोने और कब्रों पर फूल चढ़ाने के आदि हो बस। कौन हो तुम भाई? मैं सच हूं। अरे बाबा सच हो तो दिखाई क्यों नहीं देते हो? यही तो इंसान की भूल है नादान, मौत के इंतजार में सारी जिंदगी धोखा फरेब और झूठ के साए में गुजार देता है। क्या मौत सच नहीं है? नहीं मौत तो सच है बल्कि बरहक है, लेकिन आप हो कौन? घर के हालात को देखकर ये तो आज अंदाजा हुआ कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम लोग अपने गिरबानों में झांको और सोचो तुम कौन हो। कौन हो तुम? हम तो हाजरा का बेटा है। ओ भाई, ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ जाओ भाई, हम लोग हीरोइन पीने जाओ। वो चलो भाईजान, अब तुम भी उठ जाओ। उल्तान आ गया, मैं तो ट्रेन पे बैठा हूँ। भाई चलो भाई, भाजी जल्दी से अपने जाम छोड़े वाले अब्बा के यहाँ। अरे सेठ साहब की रूह को भी यही घर मिला था, सीधी चली जाती अलादीन पारक, 2-3 डुबकियां मारती फिर ऊपर, हमारी तो नींद उड़ गई है। अब रूह आएंगी तो हम कोई देख के भाग जाएंगे, बोलेंगे यहाँ तो पहले ही बदरू मौजूद है। चलो रे कमरे में जाता है, शायद ख्वाब में रोशनी आ जाए। Thank you.